अपने बोल्ड एंड अतरंगी ड्रेस सेंस से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपनी ग्लैमरस अंदाज से हर किसी को चौंकाती रहती हैं। जहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी ड्रेसिंग सेंस को पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके कपड़ों को लेकर ट्रोल भी करते रहते हैं। वही एक्ट्रेस भी इन ट्रोलर का मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आती रहती हैं। हालांकि अब एक बार फिर से उर्फी जावेद अपनी बोल्डनेस की लेवल को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे एक बार फिर से तेजी से हो रहा है वायरल और लोगों के होश भी उड़ा रहा है। बता दे दोस्तों कि हाल ही में उर्फी जावेद का एक नया वीडियो बड़े तेजी से सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहा है। इस वीडियो में वो चीता प्रिंटेड आउटफिट पहने हुए आ रही हैं नजर। इस मोनोकिनी आउटफिट में एक बार फिर उर्फी जावेद बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही हैं। उनके ये बोल्ड अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों साफ देखा जा ही सकता है कि उर्फी जावेद चीता प्रिंटेड मोनोकिनी आउटफिट के साथ इसी प्रिंट के हैंड ग्लव्स और बूट्स पहने हुए स्टाइलिश अंदाज में आ रही हैं नजर। इसके अलावा इस वीडियो में वो हाई हील्स पहने हुए रैंप वॉक भी कर रही हैं और अपने कातिलाना अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से उर्फी जावेद अपने आउटफिट को लेकर ट्रोलर्स की हद चढ़ गई हैं। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स जमकर उनके इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस दौरान उनकी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, इन्हें कोई दर्जी का नंबर दे दो यार। तो वही दूसरे ने कमेंट कर लिखा, ये तो एलियन ही है। एक और अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये हमेशा कैसे कपड़े पहनती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दी कि उर्फी जावेद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वो नीलम कोठारी, सीमा खान और महीप कपूर की वेब सीरीज फैबुलस लाइफ में आने वाली हैं नजर, और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ही दी है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय? उर्फी जावेद का ये अंदाज आपको कैसा लग रहा है और उर्फी जावेद को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? वेल दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें।